एक बड़े मास लीडर हैं बिहार के और वो स्वस्थ होकर लौट रहे हैं, उससे निश्चित रूप से महागठबंधन को भी ताकत शक्ति उनके अनुभव और दक्षता का लाभ मिलेगा। ये तो लगातार यही काम ही भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार है, विपक्ष के सारे नेताओं को तंग तबाह करने का काम कर रहे हैं ये लोग। तेजस्वी जी का कैबिनेट है कि नीतीश जी का कैबिनेट है? डिप्टी सीएम और मिनिस्टर सब अलग अलग बोल सकते हैं, आप भी कुछ बोल सकते हैं जैसे बोल रहे हैं, लेकिन कैबिनेट तो नीतीश जी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन में आपके साथ अजय सिंह। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांट हुआ और वो अपने वतन भारत लौट गए। इसी बात करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद। सर, लालू प्रसाद वापस आ गए हैं भारत, अब बिहार आने वाले हैं, तो क्या महागठबंधन में कुछ अलग दिखने को मिलेगा? देखिए, हम लोग सब प्रसन्न हैं और हम लोगों के लिए प्रसन्नता की बात है कि लालू जी जो एक बड़े मास लीडर हैं बिहार के और वो स्वस्थ होकर लौट रहे हैं, उससे निश्चित रूप से महागठबंधन को भी ताकत शक्ति उनके अनुभव और दक्षता का लाभ मिलेगा। सर, जिस तरह से कहा जाए कि लालू प्रसाद यादव जब स्वस्थ हो गए उसके बाद उनसे फिर से केस जो फाइल थे बंद वो खोल दिया गया, तो क्या कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से षड्यंत्र रचा जा रहा है उनको फिर से जेल भेजने के लिए? ये तो लगातार यही काम ही भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार है, विपक्ष के सारे नेताओं को तंग तबाह करने का काम कर रहे हैं ये लोग, और करते क्या हैं, कोई रोजगार तो दे नहीं रहे हैं, महंगाई घटा नहीं रहे हैं, तो यही काम ही है उनका, प्रमुख काम यही है। तो क्या लगता है कि अब इंडिया आ गए हैं तो उनको फिर से केस को खोलकर उनको फिर जेल भेजने का काम? ये मुझे नहीं पता, आपको मालूम होगा। और सर, जिस तरह से 25 फरवरी को महागठबंधन के द्वारा रैली किया जाता है उसमें कांग्रेस पूरी अपनी भूमिका, कांग्रेस का वो बहुत मजबूत जगह है, वहाँ तारिक अनवर साहब, मोहम्मद जावेद साहब, मेरे जो बिहार कोटे के एक मंत्री हैं वो भी अफाक साहब उसी ज़िले के रहने वाले हैं, और कई विधायक साथी उस इलाके से चुन के आए हैं। सभी लोगों को कहा गया है कि वो मजबूती से रैली में अच्छी संख्या में उपस्थिति दर्ज कराएं। जिस तरह से आपका लोगों का भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है और कल संपन्न पटना में भी पहुंचे थे भारत जोड़ो यात्रा, तो क्या लगता है इससे कांग्रेस को पूरा फायदा मिला? और जिस तरह से गया में समापन है तो उसमें राहुल गांधी भी उपस्थित होंगे? नहीं, हम लोग सबकी चाहत है कि राहुल जी उसमें आएँ और वहाँ एक बड़ी रैली हो और उसको संबोधित करें। जिस तरह से एक बार गया में सबसे बड़ी रैली की गई थी जिसमें महात्मा गांधी भी हुए थे गांधी मैदान पर, उसी तरह से रैली इस बार भी होने वाला है? उससे भी बड़ी सब रैली होगी, उससे भी बड़ी। और हमने, कांग्रेस ने तो पहले तय किया था, हमसे क्यों पूछा जाएगा ये बात? आप भी पार्टनर हैं? नहीं, हम पार्टनर हैं, मंत्री हैं दोनों। हम अभी है माले का रैली गांधी मैदान में, इसमें टकराने से बिहार में थोड़े ही हम लोगों का अधिवेशन है कि आपको इतना चिंता हो रहा है। ये यहाँ रैली है बिहार में, हम लोगों का छत्तीसगढ़ में अधिवेशन हो रहा है, बिहार के लोग यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। और उस पे कमजोर कड़ी दिखा रहे हैं कि राहुल जी नहीं आएंगे या कोई बड़ा लीडर नहीं आ सकता है, किसने कहा कि हम लोगों का बड़ा लीडर नहीं आ सकता है? बड़ा लीडर तो वही है, राहुल और सोनिया प्रियंका, और कोई बड़ा लीडर नहीं है। महागठबंधन, मतलब कांग्रेस में लीडर की कमी है? तीन नाम बताए जाए हैं जिसके बिहार में पकड़ हो, जानता हो, जिसमें बिहार में पकड़ हो, नाम बताए जाए। नहीं, आप अपने, अगर अपना जजमेंट से खुश हैं तो आप अपना जजमेंट करते रहिए, बाकी बिहार में कम से कम दर्जनों लीडर हैं। अच्छा सर, 24 क्या कहा गया कि लालू जी इस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रैली को संबोधित करेंगे, क्या राहुल से भी करवाएंगे क्या? हाँ, ये तो पूछिए महागठबंधन के नेताओं से, पूछिए किससे कराना चाहते हैं। आप भी उसके पार्टनर हैं, आप उस किसी में आपके नुमाइंदे थे, मदन मोहन झा जी गए थे, हम ही ने कहा था कि आप जाइए, और इसमें AICC जिसको नामित करेगा वो रैली को उस दिन एड्रेस करेगा। अध्यक्ष जी, राजेंद्र प्रसाद मोदी ने कहा सदन में कि छपरा का जो राहुल जी, तो उसे आप सभी को मालूम है कि 24, 25, 26 रायपुर में राष्ट्रीय अधिवेशन है कांग्रेस पार्टी का, लेकिन ये तय है कि हम लोगों के तरफ से
जिसको नामित किया जाएगा कोई ना कोई प्रतिनिधि वहाँ रहेगा, और हम अपने पार्टी लीडर्स को, पार्टी वर्कर्स को, सब लोगों को कहा है कि किसी से भी, किसी पार्टी से ज़्यादा भागीदारी वहाँ कांग्रेस पार्टी का हो। अधिवेशन से कोई मतलब नहीं, मतलब आप वहाँ रहेंगे कि यहाँ रहेंगे? नहीं, हमको जहाँ कहा जाएगा वहीं रहेंगे। सवाल ये भी है कि अमित शाह भी 25 तारीख को बिहार में रहेंगे। गांधी की जितनी संख्या थी वहाँ की रैली में, उससे कम से कम 5 गुना 10 गुना ज्यादा भीड़ होगी, इतना आप भी जानते हैं। ये सवाल जो आप पूछ रहे हैं, पूर्णिया में महागठबंधन और सभी पार्टियां जब मिल के कर रही हैं तो उसमें क्या मुकाबला होना है, ये सवाल का कोई मतलब नहीं है। और अमित शाह जी बार बार यहाँ आए केवल अपने सांप्रदायिक एजेंडे को बिहार से दूर रखें। आपने अगर 2019 का कांग्रेस का रैली पटना के गांधी मैदान में देखा होगा, उस समय मैं कैंपेन कमेटी का चेयरमैन था। और अभी अगर 5 जनवरी को आपने बांका में, जिस दिन 2-3 डिग्री टेम्परेचर था, वहां अगर हम लोगों का रैली कोई कवर किए होंगे, तो उसके बाद ये सवाल शायद बनता नहीं है। और मेरे प्रदेश अध्यक्ष रहते भीड़ कम होगी, ये बात हमको तो एक्सेप्ट करने का मन नहीं करता। कांग्रेस अपनी शक्ति प्रदर्शन खुद अकेले यानी कर रही तो नहीं, तो हम तो अकेले ही कर रहे हैं। कल पटना कवर किए थे आप, कल पटना कवर किए थे आप हम लोगों के, ये को तेजस्वी जी का कैबिनेट है कि नीतीश जी का कैबिनेट है? डिप्टी सीएम और मिनिस्टर सब अलग अलग बोल सकते हैं, आप भी कुछ बोल सकते हैं जैसे बोल रहे हैं, लेकिन कैबिनेट तो नीतीश जी का है, और एक्सपेंशन करना नीतीश जी का काम है। किसको मंत्री रखेंगे किसको नहीं रखेंगे वो मुख्यमंत्री का काम होता है, मैं तो यही जानता हूँ आज तक जो मेरी राजनीतिक समझ है। सीएम ने कहा समाधान यात्रा के बाद मंत्रिमंडल का एक्सपेंशन होगा, और वो केवल हमको नहीं कहे हैं, आप लोगों को भी उन्होंने कहा है मधुबनी की सभा में, उसके बाद ये सवाल बनता नहीं है।